अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल चाल है। आज हमारा पहला व्लॉग है और आज हम आपको कनेटी गार्डन की सैर कराएंगे, जो हमारे बिल्कुल हमारे विलेज से थोड़ा सा दूर है। और मेरे साथ ये सरदार इरफान साहब हैं, क्या हाल चाल है। फिराज साहब हैं, राशिद साहब। और आज हम आपको सैर कराएंगे कनेटी बाग की। धूप भी काफ़ी तेज़ है और हमने बाइक पर जाना है, रास्ता बहुत मुश्किल है, तो हमारे साथ रहेगा, हम आपको आगे लेकर जाएंगे। अच्छा जी संगियो, हूँ असी पहुँच गए वहाँ कबीर नाला ते। और तुसां ये भी नाल नाल दसा के कनेटी बाग सिड़ी घर थोड़ा मैरम खान तो 6 किलोमीटर ने फासले ते वे असी तकरीबन 4 किलोमीटर ने सफ़र किया। इतने हूँ ज़िला चकवाल नी हद ख़त्म हो गई वे, अगो डिस्ट्रिक्ट खुशाब नी हदूद शुरू हो गई वे। ये कबीर का नाला गुजरता पे वे वेखो। और इस तो उत्ते सामने चढ़ के चढ़ाई चढ़ के उत्ते कनेटी बाग शुरू हो गए नवे। तो दोस्तों ऐ इन साढ़े लुडी जबरा इरफान साहब तो शिराज साहब इन भी सड़े नाल मौजूद हैं और उत्ते चढ़ के चढ़ाई चढ़ के उत्तों कनेटी बाग की सानू सैर कराने आओ। अच्छा तो दोस्तों हुण असी फाइनली कनेटी बाग पहुँच गए। दोस्तों इतने मोटरसाइकिल पार्किंग की जगह वे, हूँ असं मोटरसाइकिल पार्क कराने और तुसा कनेटी बाग का बंगला भी खाने। तो फाइनली व्यूअर असि पहुँच गया बंगले ते, ते बड़ा खूबसूरत मौसम है। अभी तक उन्हें बैड़ा जहाँ ट्रैक्टर भी इन्हें खिला रहा वा। तो तमाम कनेटी बाग ने इंतजामिया ने रैश गा वे, तो बड़ा प्यारे लुक देनी पी। तो इस साइड से राशिद भाई और इन्होंने मीटअप कराने पैन जबी ना चीफ इन है। ते अगे बड़ी प्यारी मस्सी बनी पी, तो धूप भी काफ़ी तेज है। तो तुस अगो भी खाने सिरनाल व्लॉग जुड़ रहा। हम जब घर से निकले तो बहुत तेज़ धूप थी और अब हम देख रहे हैं कि बादल बन चुके हैं, मौसम काफ़ी प्यारा हो गया है। राशिद भाई आप क्या कहना चाहेंगे। मेरा भी यही प्लान है कि जब हम घर से निकले हैं काफ़ी धूप थी, गर्मी बहुत ज़्यादा थी, तो अभी जब हम कनेटी बाग पहुँचे हैं तो मौसम काफ़ी ठंडा हो गया है। अभी पर तो दिखाएँ कि क्या बादल बन रही हैं, ठंडी ठंडी हवाएँ चल रही हैं। तो अभी हमारा प्लान जो है वो चेंज हो गया है, अभी हम खबेकी झील पे जा रहे हैं। तो आइए आपको भी दिखाते हैं, हमारे साथ रहिएगा। हम आपको बहुत से व्यू पॉइंट दिखाएंगे खबेकी झील, और एक दो और व्यू पॉइंट है हमारे जहन में, वो भी सोन वैली में। अगर बारिश ना आई और मौसम अच्छा हुआ तो हम आपको ज़रूर दिखाएँगे। तो चलिए हमारे साथ। देखो ना जनाब, चाचोरी बैठे हुए हैं, सस्ते नशे दे सूटे ला रहे हैं जनाब। तो दोस्तों असी कनेटी बाग तो निकले हूँ और खबेकी झील की तरफ रवान दवा वा। और ही जड़ी चढ़ाई वे बड़ी सख्त चढ़ाई वे, बहुत खतरनाक है। जड़े दोस्त अहबाब साड़ी वीडियो वेखते पे हैं दूर दराज तो आने वन, इंतहाई एहतियात की थी करो इस चढ़ाई नाल, बड़े खतरनाक मोड़न, सीढ़ियाँ सीढ़ियाँ जाना बड़ी कीमती वन। I'm not afraid to die।
संगी असी बिल्कुल खबेकी झील के नज़दीक पहुँच गए हैं। बस थोड़े टाइम तो बाद तुसां खबेकी झील की सैर कराने और दोस्तों ये साढ़ा पहला व्लॉग है। कोई भी गलती कोताही कमी पेशी हो नहीं तो तुसां इग्नोर करना। फाइनली व्यूअर असी हम पहुँच गए खबेकी झील ते। मौसम बड़ा प्यारा ते चलो सुहागे वेखने तो टिकट कहने ते टिकट कह के तो सुहागो गाइड करें। फाइनली व्यूअर अस अपनी गड्डिया पार की दी ते इतों एंट्री करावनी 50 रुपए टिकट है। इस तो असी एंट्री कराने ते अगे बहने बाद जिले ना मॉल वेखने ते दो बंदे बैठे ते राशिद भाई और इतने टिकट गिने पैन ते इहदे नाल शिराज भाई और मुफ्त खोरे विक्टरी दे निशान बनाई खड़े। इरफान साहब आए लगना अगर रोटी कोनी टी बड़े इतों तो 4 टिकट गए ते अगे सौ वेखने। हमने अभी यहाँ से टिकट ले लिए हैं, 4 टिकट लिए हैं और अभी हम यहाँ से नीचे जा रहे हैं टिकट देख टिकट दिखा दिए हम। आपने क्या चीज़ खानी है, क्या कह रहे थे? बारबेक्यू आपको खिला देते हैं। ये यहाँ पे हाँ यहाँ रश गाय बनी हुई है। यहाँ पर बच्चों के लिए झूले शुरू लगी हुई है। हाँ पाकिस्तान का झंडा लगा हुआ है। हाँ ये झंडा है, इसमें डंडा है। तो दोस्तों हमारा पहला व्लॉग है, अगर इसमें कोई कमी बेशी या कोई मिस्टेक हो गई हो तो कमेंट्स बॉक्स में बताएं ताकि हम इस कमी बेशी को दूर कर सकें, अगली वीडियो में हम दूर कर सकें उसे। हाँ तो हम आगे चलते हैं, तब तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें और आगे चलते हैं और आपको झील नज़ारे दिखाते हैं। ये देखें जी बहुत खूबसूरत मंजर है। यहाँ पर राशिद भाई जा रहा आगे और अभी धूप काफ़ी निकल आई है, अभी बारिश हुई है, मौसम बिल्कुल बदल गया है, प्यारा और खुशगवार मौसम बन गया। ये देखें बहुत खूबसूरत व्यू पॉइंट है यहाँ पर। ये शहबाज शरीफ ने बनवाया, शुक्रिया शहबाज शरीफ, शुक्रिया शहबाज शरीफ। ये बीच में सब शहबाज शरीफ के फैन हैं। ये टक साहब बनी हुई है, अभी चालू नहीं हुई, अभी इस पर काम हो रहा है। बात सुनें शहबाज शरीफ साहब जब हुकूमत कर रहे थे तो वो बड़ी आवाम को दिलासा दे रहे थे कि हम यूँ करेंगे जी यहाँ करेंगे, लेकिन जूँ ही वो सीट से उतरे वो लंदन भाग गए।
ये तो ज्यादती है लेकिन उन्होंने मेरे ख्याल में ये वादा क्यों हुआ कि आएगा अलग हमें दिखाई है तो उससे आवाम बड़ी मुतासर है और हम बड़े पुरउम्मीद हैं। जी जी आप क्या कहते हैं कि दोबारा नून लीग को मौका मिलेगा? जी जरूर, क्यों नहीं मिलेगा नून लीग। फाइनली दोस्तों आज की व्लॉग का यहाँ पे भी एंड करते हैं, तो उम्मीद है आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को क्लिक करें। प्यारे लोगे, रब दी रहमत।